Union Home Minister Amit Shah will give a detailed reply in Parliament today on the incident of firing at AIMIM Chief Asaduddin Owaisi's car in Uttar Pradesh. On Friday, while making a statement in the Lok Sabha, AIMIM Chief Owaisi refused Z-plus security cover and also demanded that UAPA be slapped against the accused. Remember, the AIMIM Chief's convoy was shot at on Thursday when he was on his way to Delhi from Uttar Pradesh. देखिए मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर गोली पर भरोसा करते हैं बैलेट पर नहीं करते आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं जो इतनी नफरत पैदा करते हैं आखिर ये कौन लोग हैं मैं इसको सियासी गुफ्तगु नहीं करूंगा ये सबके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं दो मर्तबा का विधायक हूं चार मर्तबा का सांसद हूं और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और चार राउंड गोलियां चलाई जाती हैं आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद खुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए अब्दुल्ला अजान की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए या आयमन अल जहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए